हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मुगल काल में झारखंड। ठीक है, तो पिछले वीडियो में भी हमने यही शुरू किया था। ठीक है, तो आज हम कुछ नया टॉपिक नहीं करने वाले हैं। मैंने जो आपको पीछे पढ़ाया था कि जो अकबर है वो क्षेत्रीय राजवंशों पर अपना आधिपत्य कैसे जमाता है, ठीक है, और कौन कौन से क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमाता है, तो हमने वो पढ़ा था। तो हमने क्या स्टार्टिंग में हमने जो पढ़ा था वो क्या था कि छोटा नागपुर खास का नागवंश, ठीक है, यानी कि इस एरिया पे क्या करता है अकबर जो है, क्या करता है तो अपना आधिपत्य जमाता है। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे इसके आगे, जैसे कि मानभूम व हजारीबाग क्षेत्र के राजवंश, ठीक है, सिंहभूम का सिंहवंश, तो इन पर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कि मानभूम और जो हजारीबाग का क्षेत्र रहता है, इसमें अकबर खुद ने यहाँ पे अधिकार करता है। यहाँ पे अपना जो उसका जो सेनापति होता है उसे वो क्या करता है, वहां पे भेजता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक मिनट। 1590 और 91 ईस्वी में, 1590 और 91 ईस्वी में मान सिंह ये होता कौन है, अकबर का सेनापति होता है। ठीक है, 1590 से 91 ईस्वी में मान सिंह जो होता है वो कहाँ जाता है, तो मिदनापुर। तो यहां जाने के दौरान वो क्या होता है कि झारखंड क्षेत्र से होकर गुजरता है। ठीक है, झारखंड क्षेत्र में भी कहाँ, तो मानभूम क्षेत्र से होकर, ठीक है, मिदनापुर जाते हुए मानभूम से होकर गुजरता है, मानभूम से होकर गुजरता है। ठीक है, तो मानभूम से जब गुजरता है तो मानभूम का जो वर्तमान है एरिया वो कौन सा, धनबाद क्षेत्र है। कौन सा एरिया है, धनबाद क्षेत्र। ठीक है, तो धनबाद क्षेत्र में ही दो जगह पड़ता है, उसका नाम जो है एक है आपका परा तथा तेलकुपी, परा तथा तेलकुपी। यहाँ पे ये क्या करता है ना कि यहाँ पे कुछ मंदिर जो पुराने हो रखे थे उनका ये क्या करता है, रिनोवेट करवाता है। ठीक है, रिनोवेट यानी कि जीर्णोद्वार करवाता है, मतलब आप कह सकते हैं नॉर्मली क्या कि इसका मरम्मत करवाता है। ठीक है, तो परा तथा तेलकुपी जो वर्तमान में कहाँ है, तो धनबाद क्षेत्र में। ठीक है, के मंदिरों का जीर्णोद्वार करवाता है। ठीक है, कौन करवाता है, तो मानसिंह। कौन करवाता है, मानसिंह। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र का, परा और तेलकुपी का, जो वर्तमान में कहाँ पे है, तो वर्तमान में धनबाद में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपने सुना होगा पंचेत का किला, तो ये पंचेत का किला कहाँ स्थित है, तो ये भी जो है ये आपका धनबाद में ही है। ठीक है, पंचेत का जो किला है वो भी कहाँ है, तो धनबाद में। ठीक, तो ये जो पंचेत का किला है इसी समय क्या होता है, निर्माण किया जाता है इसका, यानी कि इसी समय निर्मित होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसे मिटा के कि पंचेत का किला या पंचेत के किले का निर्माण भी पंचेत के किले का निर्माण भी इसी समय हुआ। ठीक है, देखिए एक बार हम पूरा इसे रीड कर लेते हैं। ठीक है, अकबर का तो हमने पढ़ लिया, जब वो छोटा नागपुर क्षेत्र पे क्या करते हैं, छोटा नागपुर का जो नागवंश होता है वहां पे वो क्या करते हैं, अपना अधिकार करते हैं। उसके बाद वो उनका जो अधिकार क्षेत्र अगला कौन सा होता है, तो मानभूम और हजारीबाग का क्षेत्र। कौन सा होता है, मानभूम और हजारीबाग का क्षेत्र। तो वहां पे वो किनको भेजते हैं, मानसिंह को भेजते हैं, जो उनका क्या होता है, तो सेनापति। और ये मिदनापुर जाते हुए क्या करता है, मानभूम क्षेत्र से होकर गुजरता है, और गुजरने के दौरान दो जगहों, कहाँ कहाँ, परा और तेलकुपी में,
वहां के मंदिरों को क्या करवाता है, वो रिनोवेट करवाता है, ठीक है। और वहीं पे आपका धनबाद में ही स्थित है क्या, पंचेत का किला, ठीक है, इसका भी निर्माण इसी समय पे हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अगला जो है वो कौन सा वंश आएगा। तो अगला जो है वो सिंहभूम का सिंह वंश है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी जो आपके जो मान सिंह है, इन्हीं का यहाँ पे चर्चा होगा, ठीक है। वर्ष 1592 में, वर्ष 1592 में उड़ीसा अभियान के दौरान राजा मान सिंह सिंहभूम क्षेत्र से होकर गुजरते हैं, सिंहभूम क्षेत्र से होकर गुजरते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया है क्या कि उड़ीसा अभियान के दौरान ही क्या होता है कि एक नागवंशी शासक क्या करता है, मुगलों का हेल्प करता है, ठीक है। यही उड़ीसा अभियान के दौरान, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसी इसी मुगल अभियान में इसी मुगल अभियान में मुगल अभियान में खुखरा के राजा मधुकरण सिंह ने मुगलों का साथ दिया था, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा कि कौन से अभियान के दौरान जो होता है ये नागवंशी शासक वो क्या करता है, तो मुगलों का क्या करता है, हेल्प करता है, किस अभियान के दौरान, तो उड़ीसा अभियान के दौरान। और इसी उड़ीसा अभियान के दौरान जो मानसिंह जो होता है वो सिंहभूम क्षेत्र से क्या होता है, होकर गुजरता है, ठीक है। चलिए इसी में आगे हम देखते हैं कि जब मानसिंह जो सिंहभूम क्षेत्र से होकर जब गया था, उस समय सिंहवंश का शासक कौन था, तो जो सिंहवंशी जो राजा होता है, कौन, सिंह वंशी राजा कौन होता है उस समय, रंजीत सिंह। वो क्या करता है कि बिना किसी युद्ध के मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है तथा राजा मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल भी हो जाता है, के अंगरक्षक यानी कि अंगरक्षक का मतलब वो समझ में आता होगा, ठीक है, बॉडीगार्ड। अंगरक्षक दल में क्या होता है, शामिल हो जाता है, ठीक है, अंगरक्षक दल में शामिल भी हो जाता है, शामिल भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि वर्ष 1592 का ही क्या होता है, समय होता है जब जो राजा मानसिंह जो होते हैं, राजा मानसिंह वो क्या करते हैं, तो राजमहल क्षेत्र जो आपका कहाँ पर पड़ता है, तो साहेबगंज, ठीक है, साहेबगंज, इसको क्या करते हैं, वो राजधानी बना लेते हैं, किसकी, तो बंगाल की, इसे मिटा देते हैं हम और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, बंगाल की राजधानी बना लेते हैं इसे, ठीक है। और यही जो राजा जो मानसिंह होते हैं उन्होंने क्या किया था, तो आप नोट बना के लिख सकते हैं कि राजा मानसिंह ने ही, नोट बना के आप लिखिए कि राजा मानसिंह ने ही अकबर नगर नामक शहर की स्थापना की थी,
शहर की स्थापना की थी। ठीक है, इसे एक बार हम पूरा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, जब राजा मानसिंह सिंहभूम क्षेत्र से होकर गुजरता है किस अभियान के दौरान, उड़ीसा अभियान के दौरान, तो सिंहवंशी शासक कौन होता है, रणजीत सिंह। ठीक है, रणजीत सिंह क्या करता है, बिना किसी युद्ध के मुगलों की अधीनता क्या करता है, वो स्वीकार कर लेता है और राजा मान सिंह का क्या बन जाता है, बॉडीगार्ड या बॉडीगार्ड की ग्रुप में क्या होता है, वो शामिल हो जाता है। ठीक है, और 1592 में ही वो क्या करता है, राजा मान सिंह क्या करता है, राजमहल क्षेत्र को क्या बना लेता है, तो बंगाल की राजधानी बना लेता है। और उन्होंने क्या किया था, तो अकबर नगर नामक शहर की स्थापना की थी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि अकबर नगर नामक शहर की स्थापना किसने की थी, तो राजा मान सिंह ने। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए आगे जो है हमारा क्या है, पलामू का चेरो वंश। ठीक है, देखिए इसमें भी किसका जिक्र होगा, तो राजा मान सिंह का ही। ठीक है, 1589 ईस्वी में राजा मानसिंह जो होता है, राजा मानसिंह बिहार का सूबेदार बनता है। ठीक है, राजा मानसिंह बिहार का सूबेदार बनता है। ठीक है, और यही जो राजा मानसिंह होता है, राजा मानसिंह बिहार से पटना की ओर पूछ करता है। एक मिनट, सॉरी, बिहार से पलामू की ओर पूछ करता है। और वहाँ जो पलामू में क्या है, चेरो वंश है, तो चेरो वंश के जो लोग होते हैं उनको क्या करता है, वो बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित करता है। ठीक है, पलामू की ओर कूच करता है तथा चेरो चेरो को प्रताड़ित भी करता है, प्रताड़ित भी करता है। ठीक है, प्रताड़ित करने के साथ साथ क्या करता है, वो लूटपाट भी करता है, क्या करता है, लूटपाट भी करता है। ठीक है, और लूटपाट करने के दौरान क्या होता है कि पलामू क्षेत्र से उसे क्या होती है, 54 हाथियों की प्राप्ति होती है। ठीक है, लूटपाट के सामानों में आप लिख सकते हैं कि लूटपाट के सामानों में उसे 54 हाथियों की प्राप्ति होती है, जिसे वह मुगल दरबार में भेज देता है। ठीक है, इसमें कुछ आपका उतना कुछ ये नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको सारी चीजें याद रखनी है या आपको ईयर याद रखना है, बस आप एक इसे कहानी की तौर पे क्या करना, आपको याद रखना है। ठीक है, कि राजा मान सिंह जो है बिहार का सूबेदार बनता है 1589 में। ठीक है, उसके बाद वो बिहार से पलामू की ओर क्या करता है, कूच करता है। तो पलामू में उसे जाना था, क्यों, क्योंकि वहां पे चेरो जो शासक लोग रहते थे उनसे, पहले भी आपको मैंने बताया है कि मुगल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पे इनको अपना अधिकार जमाना होता है। तो अगर अधिकार जमाना है तो या तो फिर ये आक्रमण करेंगे या तो फिर क्या करेंगे, रिश्ते बनाएंगे, रिश्ते यानी कि शादी जैसे संबंध स्थापित करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि आक्रमण किया। ठीक है, तो कभी तो या तो शासक आक्रमण करते थे या कभी उनके सेनापति। तो यहाँ पे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, उनके सेनापति के बारे। ठीक है, जो आक्रमण करके क्या करता है या लूटपाट करके क्या करता है, 54 हाथियों की उसे प्राप्ति होती है और वो उसे मुगल दरबार में भेज देता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। जहांगीर कालीन में झारखंड, आप क्या कीजिए ना कि इसे आप नोट कीजिए पहले, तब तक हम पानी पी लेते हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जहांगीर कालीन झारखंड, यानी कि जहांगीर के समय में झारखंड,
तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का है, 1605 से 1627 ईस्वी तक, ठीक है। जहांगीर के समय में क्या था ना, कि जहांगीर के समय में मुगल और झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश, झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था ना कि एक नई, क्या बोल सकते हैं कि नए युग की शुरुआत हो गई, ठीक है, एक नए युग की शुरुआत होती है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो जहांगीरकालीन झारखंड में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि इसका इफेक्ट जो है छोटा नागपुर खास के नागवंश में कैसा पड़ता है, उसके बाद हम देखेंगे क्या कि पलामू के क्षेत्र में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, पलामू के क्षेत्र पे, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, छोटा नागपुर खास का नागवंश, ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे जो शंख नदी होती थी, यहाँ पे हीरे पाए जाते थे, ठीक है, तो हीरे जो पाए जाते थे वो किसी को भी क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, और आकर्षित करेंगे तो अगला जो शासक क्या चाहेगा कि इस क्षेत्र पे मेरा अधिकार हो, तो यही जो चाहत ये किसकी थी, तो जहांगीर की थी, ठीक है। चलिए आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए कि जहांगीर के समय, या तो फिर ऐसे मत लिखिए, लिखिए आप यहाँ से कि यहाँ के नागवंशी राजाओं को, राजाओं को जमींदार ए खान आलमा, इसका मतलब क्या होता है, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। जमींदार ए खान आलमा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो इसका मतलब होता है हीरे या हीरों के खान के मालिक, ठीक है। यहाँ के नागवंशी राजाओं को जमींदार ए खान आलमा, यानी कि हीरों के खान के मालिक कहा गया है, ठीक है। अगर हीरे के खान का मालिक क्या कहा गया है, मतलब क्या कि यहाँ की जो क्षेत्र है, यहाँ के क्षेत्रों में क्या हीरे पाए जाते होंगे, तो क्षेत्र में नहीं, यहाँ की नदियों में हीरे पाए जाते थे, विशेषकर शंख नदी में, ठीक है। लिख सकते हैं आप कि जहांगीर को यहाँ की नदियों विशेषकर शंख नदी में हीरे मिलने की खबर थी, अतः वह इन क्षेत्रों में अपना अधिकार करना चाहता था। कोई भी शासक चाहेगा क्या कि ये जो इस तरह की जो क्या बोल सकते हैं कि अमानत है वो उनका हो, ठीक है, कि शंख नदी में जो हीरे मिलने की खबर वो किसको लग चुकी थी, जहांगीर को, तो वो क्या चाहेगा कि इस क्षेत्र पे उसका अधिकार हो, ठीक है। इसकी वजह से वो क्या करता है, तो इब्राहिम खां को क्या करता है, वो भेजता है आक्रमण के लिए भेजता है। लेकिन इससे पहले आप नोट बना के लिखिए कि आपने सुना होगा तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है, तो लिखिए आप यहाँ पे कि तुजुक ए जहांगीरी में शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों को बताया गया है, ठीक है। यही तुजुक ए जहांगीरी जो पुस्तक है, इसी पुस्तक में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है, तो
खोखरा, किस नाम से पुकारा गया है? खोखरा, ठीक है। देखिए खोखरा का ही एक शासक होता है, हम क्या करते हैं ना यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कि खोखरा का ही शासक होता है कौन? खोखरा का शासक जो होता है कौन? राजा दुर्जन साल, दुर्जन साल, ठीक है। ये किसका उत्तराधिकारी होता है? तो मधुकरण शाह का ये क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है, मधुकरण शाह, मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी, ठीक है, उत्तराधिकारी। तो ये जो राजा दुर्जन साल होता है ये क्या करता है ना कि कर देने से क्या करता है? मना कर देता है किसे? मुगलों को, और उनकी अधीनता भी वो स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जो मधुकरण शाह होता है ये क्या करता है? मैंने आपको बताया है कि ये अकबर के समय में क्या करता है? कर देना स्टार्ट करता है। उसी समय में जो झारखंड है वो करदाता प्रदेश की तौर पे क्या होता है? उभरता है, ठीक है। तो ये कर देना भी क्या करता है? स्वीकार कर लेता है, और उनकी अधीनता भी वो क्या करता है? स्वीकार करता है। लेकिन जब दुर्जन साल मना कर देता है कर देने के लिए और उनकी अधीनता भी स्वीकार नहीं करता है, तो यही बात जहांगीर को पता चलती है। तो जहांगीर को आता है गुस्सा, तो वो अपने सेनापति किसे? इब्राहिम खां को, किसे? इब्राहिम खां को वो क्या बोलता है कि इस पे जाके क्या करो कि आक्रमण करो, ठीक है। तो इब्राहिम खां क्या करता है कि 1615 में बिहार का सूबेदार नियुक्त होते ही, बिहार का सूबेदार नियुक्त होते ही वो क्या करता है? तो राजा दुर्जन साल पे क्या करता है? वो आक्रमण कर देता है। क्या करता है? वो आक्रमण कर देता है किस पे? राजा दुर्जन साल पर, राजा दुर्जन साल पर, ठीक है। जब ये आक्रमण कर देता है तो इसे आक्रमण करने के साथ साथ इसे बंदी भी बना लेता है, ठीक है। और बंदी बनाने के साथ साथ क्या करता है? इसके 23 हाथियों तथा हीरो के साथ, तथा हीरों के साथ बंदी बनाकर कहाँ ले जाता है? तो मुगल दरबार में। कहाँ ले जाता है? मुगल दरबार में, ठीक है। और मुगल दरबार में लेने के बाद इसे क्या किया जाता है कि जहांगीर के द्वारा इसे बंदी बना के ग्वालियर के किले में भेज दिया जाता है, ठीक है। आप यहां से लिख सकते हैं कि जहांगीर दुर्जन साल को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक कैद रखता है, 12 वर्षों तक कैद रखता है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है ना कि इब्राहिम खां के द्वारा राजा दुर्जन साल को बंदी बना के कहाँ भेज दिया जाता है? मुगल दरबार में। और मुगल दरबार के में भेजने के बाद जहांगीर क्या करता है ना कि इसको ग्वालियर के किले में कैद कर लेता है। कब तक? तो 12 वर्षों तक, ठीक है। 12 वर्षों तक कैद करने के बाद क्या करता है कि देखिए इब्राहिम खां क्या किया ना कि राजा दुर्जन साल को बंदी बना के क्या किया, वहां पे भेज दिया था मुगल दरबार में। तो इब्राहिम खां को पुरस्कार के तौर पे 4000 मनसबदारी, मतलब इसे पुरस्कृत किया जाता है, और इसे फात जंग की उपाधि भी प्रदान की जाती है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा पानी पीने दीजिए, गर्मी का टाइम है ना, मुंह सूख जाता है बोलते बोलते। चलिए देखिए आगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इब्राहिम खां को पुरस्कार के तौर पर 4000 मनसबदारी प्रदान की जाती है तथा फात जंग की भी उपाधि प्रदान की जाती है, ठीक है, प्रदान
की जाती है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फात जंग की उपाधि किसे मिली थी या किसे प्रदान की गई थी, तो इब्राहिम खां को। अगर पूछ दिया जाए कि इब्राहिम खां को फात जंग की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी, तो जहांगीर के द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए राजा दुर्जन साल को जहांगीर जो है वो कैद करके रखता है 12 साल तक, लेकिन क्या होता है ना कि 1527 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में एक घटना के दौरान, मैंने देखिए मैंने आपको ये चीज पहले भी बताया है, ठीक है, कि जब मैंने क्षेत्री राजन साहब को पढ़ाया था उसी समय बताया था कि राजा दुर्जन साल जो होता है वो क्या होता है, हीरे का पारखी होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि जहांगीर के दरबार में वो क्या करता है, हीरे की असलियत वो क्या करता है, पहचान लेता है। इसी से खुश होकर क्या करते हैं ना जहांगीर, उसे शाह या शाही की पदवी देकर क्या करते हैं, उसे मुक्त कर देते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वापस कि 1527 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में हीरे की असलियत, पहचान करने के कारण, दुर्जन साल को, या शाही की पदवी देकर मुक्त कर दिया जाता है, ठीक है, इसे मुक्त कर दिया जाता है किसकी पदवी देकर, तो शाह या तो फिर शाही की पदवी देकर। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए ये जो क्या करता है ना, कौन, राजा दुर्जन साल, ये क्या करता है जब वहां से छूट जाता है ना, तो 6000 रुपए, 6000 रुपए वो सालाना कर के तौर पे किसे देने लगता है, तो मुगल बादशाह को 6000 रुपए सालाना कर देना शुरू करता है। ठीक है, यही जो राजा दुर्जन साल होता है इसे ही क्या कहते हैं, तो हीरों का पारखी, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीरो का पारखी किसे कहा जाता है, तो राजा दुर्जन साल को। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। तो अगला जो है वो हमारा क्या है, पलामू का चेरो वंश। ठीक है, यानी कि जहांगीर कालीन में पलामू के चेरो वंश में क्या इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, देखिए जब जहांगीर का शासन चल रहा था उस समय पलामू के जो चेरो वंशी शासक होते हैं वो कौन होते हैं, अनंत राय। ठीक है, चेरो वंशी शासक कौन होते हैं, अनंत राय, ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट करके लिखते जाइए कि वर्ष 1607 ईस्वी, एक मिनट इसे मिटा देते हैं पहले, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं 1607 ईस्वी में अफजल खां, ठीक है, ये अबुल फजल का पुत्र होता है, को बिहार का सूबेदार नियुक्त करके, पलामू पर आक्रमण हेतु भेजा जाता है, परंतु दो हफ्तों के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, किसे भेजा गया था, अफजल खां को। ठीक है, किसके शासनकाल पे, अनंत राय के शासनकाल पे, जो चेरोवंशी शासक होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे लिख सकते हैं कि अनंत राय के बाद जो अगला जो शासक आता है वो कौन आता है, सहबल राय।
ठीक है। सबल राय, ये इंसान क्या करता है, यानी ये जो शासक रहता है वो क्या करता है, बहुत ही ज्यादा लूटपाट किया करता था। तो जहांगीर को ये बात ना एक भी जरा सी, मतलब क्या बोलते हैं कि उसे अच्छी नहीं लगती है, तो वो क्या करता है ना, सहबल राय को बंदी बनाने का आदेश देता है, इसके इसके ऊपर आक्रमण किया जाता है, ठीक है, उसे बंदी बनाने का आदेश दिया जाता है। इसका जो प्रभाव क्षेत्र होता है ना वो हजारीबाग तक होता है। प्रभाव क्षेत्र जो होता है यानी कि शासन का जो क्षेत्र होता है वो हजारीबाग का एरिया तक होता है, ठीक है। जहांगीर क्या करता है, इसके ऊपर आक्रमण करने का आदेश देता है, ठीक है, मुगल अधिकारियों को। मुगल अधिकारी क्या करते हैं, इसे बंदी बना के कहाँ ले जाते हैं, मुगल दरबार में। जो मुगल अधिकारी जो रहते हैं उसे क्या करते हैं, बंदी बनाकर, बंदी बनाकर कहाँ ले जाते हैं, मुगल दरबार में, मुगल दरबार में, ठीक है। और यहाँ पे मुगल दरबार में लेगने के बाद ये जहांगीर क्या करता है ना कि अपना मतलब मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए क्या करता है कि इस इंसान का प्रयोग करता है, ठीक है। इसे मतलब बाघ के साथ में छोड़ दिया जाता है, इसे निहत्था छोड़ दिया जाता है, किसे, सहबल राय को, बाघ से लड़ने के लिए, ठीक है। तो कोई भी इंसान वैसे भी मतलब कैसे कोई सक जाएगा, हर कोई टीपू सुल्तान तो नहीं ना हो सकता है। मैं जब आपको पढ़ाऊंगी मॉडर्न हिस्ट्री ना, तब आपको टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है, कि उन्होंने क्या किया था, कि मतलब निहत्था क्या किया था उन्होंने, शेर को मार गिराया था, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, तो शेरे मैसूर के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है, शेरे मैसूर, ठीक है। तो ये सब तो हम पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। अभी हम क्या देखते हैं, सहबल राय के बारे। तो सहबल राय क्या करते हैं ना कि निहत्थे भाग से जब लड़ने जाते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है, इनकी ऐसे भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कुछ उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखते जाना है कि किसके शासनकाल में क्या क्या हुआ था, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, शाहजहां कालीन झारखंड, यानी कि शाहजहां के समय में झारखंड की स्थिति क्या थी, ठीक है। और इनका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, 1628 से 1658, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, देखिए इनके समय में जो नागवंशी शासक होते हैं वो कौन होते हैं, नागवंशी शासक कौन होते हैं, तो दुर्जनसाल, ठीक है। यही दुर्जनसाल जिन्हें जहांगीर ने क्या किया था, बंदी बनाया था। जब ये छूट जाते हैं ना बंदी से, मतलब शाहजहां के शासनकाल में, तो ये क्या करते हैं ना कि अपनी जो राजधानी है, राजधानी को कहाँ पर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो खुखरा के स्थान से, खुखरा को चेंज करके कहाँ बना लेते हैं, दोईसा, कहाँ बना लेते हैं, दोईसा, ठीक है। राजधानी कहाँ बना लेते हैं, दोईसा में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, लिखिए आप मेरे साथ में, राजा दुर्जन साल, राजा दुर्जन साल ने अपनी अपनी नई राजधानी, नई राजधानी में अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के भवनों का, अनेक प्रकार के भवनों का निर्माण, अनेक प्रकार के भवनों का निर्माण करवाता है, जिसमें एक आपने सुना होगा नवरत्नगढ़ का किला, या नवरत्नगढ़ का किला, नवरत्नगढ़ का किला, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, तो पलाम, यही आपका क्या, पलामू, ठीक है, पलामू कह सकते हैं, दोईसा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो नवरत्नगढ़ का किला है, इसमें इन्होंने क्या किया था कि मुगल जो शासक, उनके मुगल जो शासक होते हैं उनका क्या बोल सकते हैं कि उनका कॉपी करता है, ठीक है। और इन्हें नवरत्नगढ़ के किले में क्या करता है, झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन की व्यवस्था करता है, ये मुगलों का देखा देखी करता है, ठीक है, झरोखा दर्शन की व्यवस्था करता है कहाँ पे, नवरत्नगढ़ के किले में, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, दुर्जन साल के बाद, दुर्जन साल जो शासक होता है ना, दुर्जन साल के बाद जो है अगला शासक कौन बनता है, रघुनाथ शाह, रघुनाथ शाह। ये क्या करता है ना कि बिना किसी झगड़े के या बिना किसी युद्ध के शाहजहां को, शाहजहां को
एक मामूली रकम, मतलब बहुत ही, मतलब क्या कह सकते हैं कि कम कर में क्या करता है, उनसे संधि कर लेता है, ठीक है। शाहजहां को एक मामूली कर, मामूली रकम लिख लीजिए, मामूली रकम के तौर पर, मामूली रकम के तौर पर, मामूली रकम, या लिख सकते हैं मामूली रकम के तौर पर कर देकर, कर देकर संधि कर लेता है, संधि कर लेता है, ठीक है। और देखिए ये तो हुआ क्या, नागवंशी शासक, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या कि शाहजहां के शासनकाल में क्या होता है ना कि मुगलों का जो है वो चेरों पे आक्रमण भी होता है, ठीक है। शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में मुगलों द्वारा, एक मिनट यार कैसे कैसे लिखाता है इसे, मुगलों द्वारा चेरों पर आक्रमण होते हैं, ठीक है। या आक्रमण हुआ लिख लीजिए, आक्रमण हुआ। तो उस समय चेरो शासक कौन होते हैं, प्रताप राय। चेरो शासक कौन होते हैं, प्रताप राय, ठीक है। इन पे दो आक्रमण होते हैं। पहला जो आक्रमण होता है वो शाइस्ता खां के द्वारा होता है, शाइस्ता खां के द्वारा, ठीक है। और इनकी जो डिमांड होती है वो टैक्स कितनी होती है, तो 80,000 रुपये, 80,000 रुपये, ठीक है। और जो दूसरा जो आक्रमण होता है ना, दूसरा जो आक्रमण होता है वो इतिकाद खां के द्वारा होता है। मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैम शॉर्ट शॉर्ट में पार करते जा रही है। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया क्षेत्रीय राजवंश में। तो जिनको भी ये समझ में अगर नहीं आता है तो वो आपको क्या करना है, आप पिछले वाले वीडियो में जाइए जहाँ पे मैंने क्षेत्रीय राजवंश पढ़ाया, वहां पे इसे डिटेल करके बताया गया है, ठीक है। देखिए इतिकाद खां जो रहता है वो टैक्स के तौर पे क्या करता है, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, और साथ में एक हाथी की डिमांड करता है। किससे, तो प्रताप रॉय से, ठीक है। देखिए इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। इसके आगे क्या है, तो औरंगजेब कालीन झारखंड। तो देखिए फ्रेंड्स कहाँ चला गया, देखिए औरंगजेब कालीन झारखंड में जो नागवंशी शासक कौन होता है, नागवंशी शासक, नागवंशी शासक कौन होता है, रघुनाथ शाह, रघुनाथ शाह। एक मिनट जरा, चलिए अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। औरंगजेब कालीन झारखंड में जो नागवंशी शासक कौन होता है, तो नागवंशी शासक होता है रघुनाथ शाह, ठीक है। ये अपनी राजधानी कहाँ बनाता है, अपनी राजधानी दोईसा को बनाता है, ठीक है। तो रघुनाथ शाह जो होता है वो एक्चुअल में ना धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। धार्मिक प्रवृत्ति का, और इसी के वजह से क्या होता है ना कि इसके शासन काल में, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा ये पेन में कुछ मिस्टेक हो गया है, ठीक है।
रघुनाथ शाह जो रहता है वो क्या करता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। तो इसके शासनकाल में क्या होता है ना कि दो मंदिरों का निर्माण होता है। पहला जो होता है वो मदन मोहन मंदिर, मदन मदन मोहन मंदिर, ठीक है, जो कहाँ पे है तो बोडिया में है, ठीक है। और दूसरा जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, एक राम सीता मंदिर है, राम सीता मंदिर, ठीक है, राम सीता मंदिर, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है, चुटिया में, कहाँ स्थित है, चुटिया में, ठीक है। आप यहाँ पे एक नोट बना के लिख सकते हैं क्या कि औरंगजेब के समय, औरंगजेब के काल में, झारखंड पर मुगल आक्रमण केवल एक ही बार हुआ है, केवल एक ही बार हुआ था या हुआ है, ठीक है। देखिए मैं एक बार फिर से इसको लिख देती हूँ क्योंकि बताने के टाइम पे थोड़ा पेन मेरा डिस्टर्ब कर रहा था, ठीक है, इसके वजह से मुझे रुकना पड़ रहा था। देखिए औरंगजेब के समय जो नागवंशी शासक कौन होते हैं, रघुनाथ शाह, ठीक है। मैंने आपको ये पहले बताया क्षेत्रीय राजवंश के समय कि ये क्या होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, अतः इनके काल में दो मंदिरों का निर्माण होता है, कौन कौन से, एक मदन मोहन मंदिर जो कि बोडिया में है और दूसरा क्या, राम सीता मंदिर जो चुटिया में है, ठीक है। देखिए औरंगजेब का ही एक समकालीन नागवंशी शासक होता है कौन, राम शाह, ये छूट गया था, ठीक है। राम शाह क्या होता है, नागवंशी शासक होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप नोट में जो मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अगर नोट में लिखवाती हूँ उसे आप ध्यान से मतलब देख लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि औरंगजेब के काल में जो है झारखंड पर केवल मुगल आक्रमण जो है केवल एक ही बार होते हैं, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे जो है क्या हमारा, देखिए आगे जो स्टार्ट होता है वो कौन सा है, तो उत्तर मुगल कालीन झारखंड, ठीक है। तो उत्तर मुगल कालीन झारखंड में हम क्या पढ़ेंगे, ये पूरा जो है ये ना हम मेरा मेरा क्या मतलब आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देखिए औरंगजेब के शासनकाल में जो मैंने बताया कि मुगल आक्रमण जो एक ही बार होता है, इसमें आप कुछ और ऐड कर सकते हैं क्या कि इसी के समय एक चेरो युद्ध भी हुआ था, इसी समय चेरो युद्ध भी होता है किसे किसके बीच में, तो मेदिनी राय और नागवंशी शासक रघुनाथ शाह के बीच में, ठीक है। जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेदिनी राय क्या करता है, लूटपाट करता है, जिसमें एक उसे क्या मिलता है, एक नागपुरी दरवाजा मिलता है। मैंने आपको बताया था ना पहले कि एक पत्थर का बड़ा सा दरवाजा होता है, पत्थर के दरवाजे को पलामू के नए किले में क्या करता है, वो स्थापित करता है, पलामू के नए किले में, पलामू के नए किले में स्थापित करवाता है, ठीक है। मैंने आपको ये पहले ही बताया था, बस मुझे अभी याद आ गया तो मैंने यहाँ पे देखा मैंने कि पेज बचा हुआ है तो मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी जो आपको कंप्लीट करना है क्षेत्रीय राजवंश के साथ में ही इसे पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्या, ये हमारा तो कंप्लीट हो गया है मुगलकालीन पूरा, अब थोड़ा सा जो इसका सेगमेंट बचा हुआ है उत्तर मुगलकालीन का, ठीक है। तो जिसमें हम 1707 से लेकर 1767 के पीरियड को पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपके कौन कौन से शासक आएंगे, तो रघुनाथ शाह, राम शाह, यदुनाथ शाह, शिवनाथ शाह, उदयनाथ शाह और श्याम सुंदर शाह, ये जो आएंगे ये कौन से आएंगे, तो ये नागवंशी शासक है, नागवंशी शासक, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो जो मुगल क्या बोल सकते हैं कि मुगल शासन जो है वो क्या पड़ने लगता है, वो कमजोर पड़ने लगता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल वंश है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, मुगल सत्ता कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो कमजोर होने के बाद क्या होंगे कि मराठे क्या करेंगे, उभरेंगे, ठीक है। मैं आपको ये आधुनिक इतिहास में पढ़ाऊंगी कि मुगलों के बाद जो होता है क्या कि मराठों का उदय होने लगता है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है,
तो अभी हम छेदी राजवंश को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि यदुनाथ शाह जो होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप नोट बना के लिखिए एक जगह पे कि ये कर देना क्या करते हैं, मना कर देते हैं, और इनकी अधीनता भी क्या करते हैं, अधीनता, एक मिनट, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और अपनी राजधानी जो है, अपनी राजधानी जो है वो कहाँ बना लेते हैं, तो पालकोट में। अपनी राजधानी कहाँ बना लेते हैं, पालकोट को, सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है। उसी में आप थोड़ा सा एक पढ़ लीजिएगा किसके बारे, तो सिंहभूम क्षेत्र में जो सिंहवंश जो होते हैं उनके बारे आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सिंहभूम क्षेत्र में क्या होता है ना कि सिंहवंशकों का क्या होता है, सिंहवंश के शासकों का, सिंहवंश के शासकों का शासन चल रहा होता है, शासन चल रहा होता है, ठीक है। और इसी में क्या होती है ना कि इसी समय सरायकेला खरसावां की स्थापना होती है, सरायकेला खरसावां की क्या होती है, तो स्थापना होती है, ठीक है। तो सरायकेला की स्थापना किसके द्वारा होती है, विक्रम सिंह के द्वारा कब, तो 1620 में, ठीक है। और खरसावां की स्थापना कब होती है, 1650 में, किसके द्वारा, तो पदम सिंह के द्वारा, ठीक है। ये जो सिंहभूम का जो एरिया है, ठीक है, ये जो सरायकेला क्षेत्र, सरायकेला और खरसावां की जो स्थापना हुई, इनमें क्या होता है ना कि आपसी टूट फूट होते रहता है, ठीक है, आपसी टूट फूट होते रहता है, इनमें झगड़ा होते रहता है। और यही टाइम पीरियड होता है, इसी टाइम पीरियड पे क्या होता है ना कि अंग्रेजों का जो है वो आगमन होता है सिंहभूम क्षेत्र से, ठीक है, 1667 में। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि 1607 से जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे मराठे उभरने लगेंगे, सिंहभूम क्षेत्र में सरायकेला खरसावां की स्थापना होने लगी, और 1700 क्या होता है ना कि 1767 के दौरान क्या होता है कि अंग्रेज क्या होते हैं, तो सिंहभूम क्षेत्र से क्या करते हैं, प्रवेश करने लगते हैं सिंहभूम क्षेत्र से, ठीक है। तो अगला जो वीडियो हम क्या पढ़ेंगे कि सिंहभूम क्षेत्र में या झारखंड में क्या कि अंग्रेजों का प्रवेश, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ क्या कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अब क्या आपको क्या करना है कि मैंने जितना भी आपको बताया शुरू से, जो प्राचीन काल का इतिहास बताया झारखंड से रिलेटेड, ठीक है, उसके बाद फिर हम मध्यकालीन में आए, तो सारा का आपको क्या बनाना है, नोट्स बनाना है और एक जगह उसको कंबाइन करके रखना है ताकि एग्जाम के समय आप उस पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पे लास्ट छोड़ा था इसको, और आज मैंने ये सारा कंप्लीट कर दिया है। तो कल से जो वीडियो आपको मिलेगी वो किसकी मिलेगी, आधुनिक इतिहास की, ठीक है। आपको जो वीडियो मिलने वाली है वो आधुनिक इतिहास की मिलने वाली है, झारखंड से रिलेटेड, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।